पिंडवाड़ा के शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा दी गई झूठी शिकायत के आधार मानकर सम्मानित शिक्षक के खिलाफ आनन फानन में प्रेषित की जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत। पिंडवाड़ा के शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा दी गई झूठी शिकायत को आधार मानकर सम्मानित शिक्षक के खिलाफ आनन फानन में प्रेषित की जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत। शिक्षक बलवंत सिंह के परिवार से व्यक्तिगत द्वेष रखने वाले व्यक्ति ने अपने साथियों सहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बलवंत सिंह ने आपराधिक मुद्दों की झूठी शिकायत की, जिसको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बिना किसी जांच परख के सीधे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को फॉरवर्ड कर दिया, जिसको लेकर स्थानीय विद्यालय जमाहफली के एसएमसी कमेटी व निवासियों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाकर रोष प्रकट किया व जल्द से जल्द आदेश निरस्त करने हेतु ज्ञापन दिया गया। श्री राजपूत कर्णी सेना ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शिक्षक को आप क्या वापस आपके जमाफली स्कूल में पुनः लगाना चाहते हो? हाँ, लगाना चाहते हैं, लेकिन 2013 से वो इस भवन भी नहीं बना हुआ था, उन्होंने आगे भवन बनाया था, उनका अच्छा व्यवहार लिया था रखा था, और टाइम से टाइम बच्चों को पढ़ाते हैं, टाइम से खाना मिलता है, और उन्होंने अच्छा व्यवहार हमके साथ रखा, हमने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा, उससे हमारे कोई आपत्ति नहीं है। तो कब तक, यानी कि इनको बाल करवाने बाल नहीं हुए तो आप क्या इस यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन भी करोगे? धरना प्रदर्शन करेंगे सब, हम जमाफली के सब आएंगे, ग्रामवासी सब आके धरना प्रदर्शन करेंगे हम। भाई, मेरे पास में ये शिकायत आई है और आवश्यक कार्रवाई है, तो जो भी है उसकी टीम वगैरह गठित कर लिया, तो वो मैंने सिर्फ हमारे अधिकारी वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ है, तो एलिमेंट्री सेटअप का मामला था, इसलिए हमने ड्यू एलिमेंट्री को सूचना दी। जब शिक्षक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं था तो आपने डीओ को गलत सूचना प्रेषित की, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सूचना हमने गलत प्रेषित नहीं, जो सूचना आई है उस सूचना की जांच के लिए हमने भेजा है कि वहाँ जो भी सूचना वहाँ पहुंची आगे उनकी वो जांच कराएंगे। तो बिना जांच के उनको एपीओ करा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो डीओ साहब ही बता सकते इस संदर्भ में। नहीं तो आपने जो सूचना भेजी उसके बारे में क्या तर्क था कि सूचना यदि कोई आती है अपने पास में आती है तो सूचना अपने उच्च अधिकारियों को सूचना के लिए भेजनी पड़ती है। बिना जांच किए उन किसी को भी आप एपीओ कर सकते हैं? किसके दबाव में आके आपने ऐसा कदम उठाया हुआ? अपने तो वो तो डीओ साहब भी आपको बता सकते हैं कि एपीओ किया गया। क्या ये जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग आपके पास आए, क्या आपके ये दोस्त थे? नहीं, कोई नहीं, मेरा कोई परिचित नहीं है किसी से, अपना कोई। ये लंबे समय से आपके साथ में फोन पे बातें वगैरह करते? कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे साथ। छोटी छोटी बातों को भी लेकर ये आपके पास में आते थे? हमने ऐसी कोई बातों को नहीं सुना, हमारे पास जो लिखित में शिकायत आई है तब हमने उस शिकायत को आगे उच्च अधिकारियों को सूचना के हिसाब से अपने भेजा। जबरदस्ती बुला के एक दो ला सकते हैं, लेकिन ये अपना टाइम निकाल के आए हैं तो कुछ न कुछ तो खासियत जी में है, जिसके कारण ये इतने लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं, अपना समय निकाल के अपना काम छोड़ के आए हैं। यानी कि बलवंत सिंह जी अच्छे व्यक्ति है, नहीं तो कोई नहीं आता। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र है, मेरे क्लास के सहपाठी रहे हुए हैं, वो अच्छे व्यक्ति के धनी है। जो भी ये किया ये एक साजिश है, ये गलत फहमी के कारण हुआ है और उन्हें बहाल